हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्याज के पराठे नहीं बना पाते, जब भी आप प्याज के पराठों को बेलते हो तो फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्याज के पराठे कभी नहीं फटेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज के पराठे बनाने। पराठे बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। मैंने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, बस इसके बाद 1 चम्मच नमक डालना है। धीरे धीरे पानी डालते हुए आटे को इस तरह से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। आटा सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि जितना अच्छा सॉफ्ट आटा लगेगा प्याज के पराठे उतने ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। इसके बाद फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल लेना है, और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डालनी है बारीक कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ एक बड़े प्याज का यूज़ किया है। प्याज को इस तरह से चलाते हुए सॉफ्ट कर लेना है। प्याज को अगर इस तरह से फ्राई कर कर अगर प्याज के पराठे बनाओगे तो प्याज के पराठे कभी नहीं फटेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बस इसके बाद मिलानी है इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा उबला हुआ आलू, ये मैंने कद्दूकस किया हुआ है। तो आप जब भी प्याज के पराठे बनाएं, थोड़ा सा आलू का यूज इस तरह से ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया, आधे चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच सूखा हुआ पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बस इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा सा जो मसाले हैं इनका कच्चापन दूर करना है। अब 10 मिनट के लिए मैंने आटे को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा आटा तोड़ कर इसको गोल गोल करते हुए इसकी एक लोई बना लेनी है, और इसे आटे में लगा कर इसकी एक बढ़िया सी पूरी बेलनी है। अब हाथ में इस तरह से पूरी को लेकर जो हमने प्याज की स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें भरनी है। अब इसी स्टफिंग को इसमें ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा भरोगे तो होगा क्या कि जब इसको आप बेलोगे तो वो अच्छे से बिल नहीं पाएगा और फटने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी स्टफिंग को बहुत कम भी नहीं भरना इस पराठे के अंदर, क्योंकि अगर कम भरोगे तो आप तो पराठे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने इस पराठे के अंदर 2 चम्मच स्टफिंग का यूज़ किया है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद इसे आटे में लगाते हुए इसकी इस तरह से रोटी बेल लेनी है। अब पराठा बेलते टाइम हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है। पराठा बेलते टाइम बीच में प्रेशर नहीं डालना है। पराठे को बेलते टाइम अगर आप बीच में प्रेशर डालते हो तो उससे होगा क्या, जो स्टफिंग है पराठे की वो किनारों पर खिसक जाएगी, इससे पराठा फटने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जब तवा गर्म हो जाए तो तवे पर ये पराठा डालना है, और जब पराठा नीचे की तरफ से हल्का सा सिक जाए तो उसे इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद इस पर तेल लगाना है। मैं रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ। रिफाइंड तेल से जो है पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इधर से ही पलटना है, और इधर भी अच्छे से इस पर तेल लगाना है, और दोनों तरफ से इसे इस तरह से पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। मैंने इसे पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है, तो बस ये जो पराठा है ये बस बनकर तैयार है। अब आप फ्रेंड खुद देख सकते हो ये जो प्याज के पराठे हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल गोल बिना फटे कितने अच्छे से बने हैं। आप इसी तरीके से बिना फटे और गोल गोल पराठे आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।